गाइस मेरे लाइफ का ना सीरियल बनना चाहिए। लाइक इतना ट्विस्ट आता है ना मेरे लाइफ पे, इतना ट्विस्ट आता है कि ऑडियंस लोग ऐसा वाला रिएक्शन देते रहेंगे। माय गॉड, इतना ट्विस्ट तो कोई सीरियल में भी नहीं होता है। इफ मासूमियत हैड फेस, ये आ थोड़ा गलत हो गया, रिएक्शन थोड़ा साजोल है। आरिफ लोहार रो रहा है, कहता है मेरे से चाह आ कोई नहीं कर सकता। इसकी अम्मी इसको ढूंढती है कि मना करें कि वीडियो ना बनाए, पर ये मिलती नहीं। नीडो पीने की उम्र में बच्चियां इंस्टाग्रामर बन रही है, वो भी क्या करें, नादिया का दूध अच्छा साउंड ही नहीं करता, हर चीज में तो मिलावट है। एक जमाना था जब बोरल सिर्फ पेपर होता था, अब तो पेस्ट भी आ गया। जॉब सिर्फ नौकरी होती थी, ईट सिर्फ फूड को किया जाता था। आजकल के बच्चे मैट्रिक्स का लुक देने के चक्कर में मैट्रिक फेल लगते हैं, ना मैट्रिक्स बन पा रहे हैं ना मैट्रिक हो पा रहे। जब आप मैट्रिक करने की उम्र में इश्क कर ले तो कोर्ट को कोड ही लिखेंगे, लेकिन इनको पास होने की निंजा टेक्निक आती है। सॉरी सर, गलती से मेरी पिक चली गई। इट्स ओके डियर, कांग्रेचुलेशन, यू गॉट फुल मार्क्स। ये फेवर लड़कों को क्यों नहीं, चाहे जितने भी उठा ले, उन्हें तो किसी सवाल का जवाब भी नहीं देते। सर मुझे ये डाउट है कि पेपर हार्ड आए तो कितने मार्क्स में 95% बन सकते हैं, और आप दिन में कितनी बार टू। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाथरूमों में लिखते हैं, यहाँ बड़ो बड़ो की निकल जाती है। वह एक दफा तो मेरे कॉलेज के बाथरूम में लिखा था, अगर इतना जोर पढ़ाई में लगाया होता तो किसी अच्छी सीट पे बैठे होते। खैर, ऑनलाइन बच्चियों की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। कॉल करने का कोई रीजन नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है, और वो हो तुम। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन फिर भी नहीं कर सकता, कॉल के लिए भी बैलेंस होना जरूरी है। कॉल नहीं करता, हो सकता है उसे कोई इशू हो या तुम इशू हो, तुम साफ दिल की नहीं हो। बचपन में मैंने सर्फ एक्सल खा लिया था, इसलिए इतनी साफ दिल की हूँ। मुझे तो लगता है दिमाग साफ हो गया, हमने भी बचपन में केले खाए थे इसलिए आज केले हैं। वैसे यार महफिलों से तनाइयां बेहतर है, महफिलों में लोग हॉटस्पॉट मांग लेते हैं, हालांकि केले रहना 15 सिगरेट पीने के बराबर है। तभी तो यहाँ शी स्टोर पे लोग गैदरिंग करते हैं ताकि तनाई दूर कर सके, क्योंकि आला चर्च यहीं से मिलता है। सबका डाउनफॉल इतना हो गया कि अब नीचे जगह ही नहीं बची, फीलिंग्स के साथ इतना केला गया कि कुछ दिन बाद प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगे, जैसे सेलिब्रिटीज आजकल शादियों में अवेलेबल है। कहते हैं इतना पैसा बल्कि अंधा पैसा कमाओ कि शादी में फिजा डांस करे। वैसे मेरे पास हो भी तो ना बुलाऊं, खुसरे बुलाऊंगा यार। अब जाया थोड़ी करेंगे, मैं खुद मुजरा कर लेता। कमा के रक्सी देखना है तो ना कमाओ, वैसे क्या फायदा इतने पैसे का, वो कमा के भी नाच रही है। यहाँ पे आके मुझे भी लगा कि लगता है दम वाला पानी पी लिया इन्होंने भी। जो भी है, शी इज किलिंग विद हर मूव्स, बट वेयर आर द मूव्स। कैमरामैन टू दिया, अच्छा कैमरामैन आगे से नहीं हट रहा, उसे हमी गाली पड़ गई है। हटो भी हटो आगे से, टिकटॉक की जनता को बोर ना करो। फिजा बाजी भी बच्चे को सही रोल रही है, लगता बच्चा नीचे देना है, और जाए कोई चाचा चूचा पकड़े। मेल करा दे रब्बा या जेल करा दे रब्बा, आज से नो पापा की परी, ओनली परी का पापा। चाचू 360 का एंगल मार रहे हैं, फोन का कैमरा नहीं ड्रोन। चाचू को ड्रोन की जरूरत ही नहीं है, हाथ ही काफी है। चाचू की लिपसिंग से मैं जेलस हूं, पर अंकल सोनी कुड़ी दे नाल नहीं हुंदा, सोनी बुड्ढी दे नाल, बल्कि सोनी आंटी दे नाल। चलो कोई नहीं, मेल करा दे रब्बा सोनी कुड़ी की माँ दे नाल। क्या ये खुला तजाद नहीं, एक तो अंकल को मेल चाहिए, दूसरा कुड़ी का चाहिए, तीसरा सोनी का चाहिए। वाइफ का तो पता नहीं अंकल की वाइफ है, अंकल आप हमारे बुजुर्ग है, मेल का तो पता नहीं, कोई सेल सुल कराना है तो बताएं हाजिर है। चलो कोई नहीं, मेल करा देंगे, कर दिया मेल, मेल डन। साउथ इंडियन फिल्मों में जब हीरो अंकल का अपनी पंजाबी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होता है ना, तो वो ऐसे करता है। अंकल सोनिया कुड़ी अंडरग्राउंड हो गई है वीडियो देख के, स्टैमिना है अभी भी अंकल में, सारी वीडियो में आग नहीं चपकी। मुझे समझ नहीं आ रही मैंने सारी वीडियो क्यों देखी है। चलो कम से कम बंदा खुश तो है ना, अपने साथ एंजॉय कर रहा है। चाचू ने इस गाने को जैसे प्रमोट किया है ना, किसी ने नहीं किया। चाचू ने रोक किया, अमरिंदर गिल को शोक किया, बिलाल से भी रोक कर रहे थे, वाम ने शोक कर दिया। इसे कहते हैं माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस। माइक ड्रॉप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बल्कि आज से माइक ड्रॉप खत्म, माइक थ्रो। कार्डी बी की नकल कर रहे हैं, कार्डी बी का माइक ईबे पे $1,00,000 पाकिस्तानी 3 करोड़ का सेल हुआ है, बिलाल भाई का बिकेगा 300 रुपए में। हाँ जाहिर बात है लोकेशन का डिफरेंस है, यार रोटो ट्यून काम नहीं कर रही थी तो उसमें माइक फेंकने वाली कौन सी बात थी। सुना नीचे से किसी ने बिचली उंगली दिखा दी थी, अब माइक खा। जैसे एंड पे किसी ने प्रोग्राम बढ़ गया की आवाज लगाई है ना, खुद ही साफ लगा लो कितनी पढ़ी लिखी वाम होगी। इनको पता ही नहीं वो इलम बेकार है, जो इंसान को काम करना तो सिखा दे लेकिन जिंदगी गुजारने का सलीका ना सिखाए। यही वो बच्चियां कोई फादर मोबाइल पूछे तो क्यों मोबाइल लिख देते हैं, उंगली करोगे तो अगला तो फिर माइक देगा ना। ड्रमर ने स्टिल टिंग करके एंड किया। डोल वाला भाई भी लाइक, वो डर गया कहीं जाते जाते मुझे टूटा ना करा जाए। बातों की बातें, ये तो पता चल गया बिलाल भाई को हाथ घुमाना नहीं आता, वट्टा कराते हैं अभी भी। जिसे मारा था उसी पूछ लेते हैं माइक लगा था कि नहीं। कह रहा मुझे माइक लगा ही नहीं क्योंकि मैं ऊंची ऊंची दीवारा रखी है। हीरा मानी भी नहीं मानी, फिर से गाने लग गई है। थैंक यू सो मच।
ये कैसी सिंगर है, खुद कह रही है प्लीज मुझे ट्रोल ना करना। कोई ट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। ये बहुत अच्छी सिंगर बन सकती है अगर ऑडियंस के सामने ना गाए। ये बेहतरीन सिंगर बन सकती है अगर डेफ के सामने गाए। सिंगर रियाना भी अंबानी के बेटे की शादी पे गाने आई है। रियाना अपना टाइम वेस्ट करते हुए कहते हैं अरसे और अफ्रीका के बाद इंडिया में रियाना को अपने जैसे खूबसूरत लोग मिले हैं। साथ पिक्चरें भी ली हैं। जिनको रियाना का नहीं पता तो ये रियान की बड़ी बहन है। पौने 200 करोड़ लिया नाचने का। पैसा इतना हो के बंदा किसी को भी नचवा ले, लेकिन जैसी हमारी इकोनॉमी है हम सिर्फ मैक मलिक को अफोर्ड कर सकते हैं। किंग खान और दुबांग से मुजरा करवा दिया। तीनों रिच पीपल्स के पपिट लग रहे हैं। तीन खान को एक साथ अंबानी अफोर्ड कर सकता है, ये तो सलमान और बेबी कोबरा को साथ नचवा दे। अब क्या करें, अपने मुल्क के तैल लगे पड़े हैं। कॉन्टेंट के लिए बॉर्डर पार जाना पड़ रहा है। सबको बुलाया लेकिन पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई अंबानी के बेटे की शादी पे ना जा सके क्योंकि बुलाया ही नहीं था। अंबानी ने मुझे भी ना इनवाइट करके अपनी औकात दिखा दी है। टैग के सारे बड़े बड़े जिन वहाँ पे आए और यहाँ से जा रहे हैं। ऐप्स बैन हो रही है। तुम लोग हमारी शादियों पे नहीं ना आते, अब हम बैन करके बदला ब्रदर लेंगे। तो यार बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ लगे बेल शेल भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अच्छा यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।